हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज बात करेंगे फैक्टर विच अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। तो कौन कौन से फैक्टर है जो क्रेन के कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, मतलब कि कम करता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा फैक्टर है। पहला है पुअर मशीन कंडीशन, मीन्स मेंटेनेंस टाइमली नहीं करना मेंटेनेंस के टाइम पे। तो इसके कारण है जो बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें आते हैं जिसका पता नहीं चलता है और जिसके कारण क्रेन की कैपेसिटी घट जाती है और यहाँ पे क्रेन का एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन बूम एंगल। तो बूम एंगल में वेरिएशन होते रहना जिसके कारण भी वहाँ पे क्रेन के कैपेसिटी पे असर होता है। लोड रेडियस बढ़ जाने के कारण एक प्रॉब्लम होता है बूम का। बूम को ज़्यादा डाउन करने से है जो रेडियस बढ़ जाता है, या बूम को अप करने से रेडियस अप होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बूम को ज़्यादा डाउन करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, उससे जो क्रेन की कैपेसिटी घटेगी। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन इन लोड रेडियस एंड इंक्रीज इन लोड रेडियस। जो ऑलरेडी मैंने बताया लोड रेडियस इंक्रीज होने से घट जाएगा, या लोड रेडियस में वेरिएशन होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे टायर्स नॉट क्लियर ऑफ द ग्राउंड। अब कोई ऐसा क्रेन है जो कि टायर माउंटेड क्रेन है, तो अगर उसको आउटरिगर पे खड़ा किए हैं काम करने के लिए, तो उसका जो टायर है वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए, जमीन से अप होना चाहिए। नहीं तो लोड उठाने वक्त जब उसका प्रेशर यहाँ पे आएगा तो लोड उसको है जो टायर है जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको करेगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो टायर है जो किसी भी क्लियर में, टायर नॉट क्लियर ऑफ द ग्राउंड, मतलब टायर है जो किसी भी कंडीशन में ग्राउंड से अप होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउटरिगर। तो आउटरिगर का इम्प्रॉपर यूज होना मीन्स आउटरिगर को सही ढंग से नहीं लगाना। देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीच पूरा खाली है, दो एक बटन इधर एक बटन पे इसको प्लेस कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ऊपर बटन रखा है दो पे ऊपर और फिर इधर एक रख के उसको स्टेबल किया है, ये बिल्कुल ही गलत। इस तरह से अगर आउटरिगर को प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सॉफ्ट फुटिंग। सॉफ्ट फुटिंग का मतलब जहाँ पे क्रेन आप खड़ा कर रहे हैं और वहाँ का ग्राउंड ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में लोड आने के टाइम लोड आने से वहाँ पे है जो ग्राउंड दब सकता है और जिसके कारण वहाँ पे क्रेन है जो अनस्टेबल हो सकता है, क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लोड रेडियस, द लोड रेडियस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। माने मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लोड रेडियस ये है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ से आप इसका जो सीजी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का रोटेशन पॉइंट का सीजी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लोड रेडियस बोलते हैं। ये अनलोडेड रेडियस है, ये है जो इसमें अनलोड नहीं किया हुआ है, इसमें देखिए लोड ऑक्यूपेंट नहीं है। तो यहाँ से जो यहाँ के बीच का है जिसमें लोड नहीं लिया हो तो अनलोडेड रेडियस है और अनलोडेड रेडियस है। यहाँ से और यहाँ के बीच में जिससे देखिए जो लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, ये है जो लोडेड रेडियस है। मीन्स द लोड रेडियस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रेन, मीन्स सेंटर पिन जो यहाँ पे होता है, टू द लोड हुक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड वाइल द बूम इज लोडेड। द बूम को जब लोड किया जाए तो यार ऑलरेडी इसको मैंने बता दिया। अब देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। तो कौन सा फैक्टर है जो कि उसको क्रेन के कैपेसिटी, तो उसमें ऑल है क्रेन का नॉट, क्रेन नॉट लेवल, क्रेन का लेवल नहीं होना, ये भी है जो इसके कारण प्रॉब्लम होता है। मतलब जहाँ पे आप खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड अप डाउन है तो उसके कारण भी इसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। साइड लोडिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ये साइड लोडिंग यहाँ से करने की इस कंडीशन में बूम का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम हो जाएगा, यहाँ पे बूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बूम इसको खींचना मुश्किल है। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से खींचना बूम का कैपेसिटी घट जाता है। इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे बूम की काफ़ी वीक रहेगा जबकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसका मतलब साइड लोडिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड स्विंग रेट। तो स्विंग करना काफ़ी तेजी के साथ ये गलत है। स्विंग करने का तरीका है कि धीरे धीरे उसको स्विंग करें, एक उसका जो लिमिट होता है उस लिमिट में स्विंग करें। रैपिड स्विंग रेट करने से है जो इसकी कैपेसिटी पे प्रॉब्लम आती है और कभी कभी क्रेन टपल भी कर सकता है इस केस में, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सडन चेंज होगा और चेंज होने के क्रेन अनस्टेबल होगा और क्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड एक्सलेरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द लोड। तो लोड को काफ़ी तेजी के साथ अप लेना या काफ़ी तेजी के साथ डाउन करना ये गलत है।
इसके कारण है जो क्रेन अनस्टेबल हो सकता है और वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। और नेक्स्ट देखेंगे हाई विंड स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे, जो कि एक ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है कि क्रेन कितने पे है जो ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे अगर विंड स्पीड हाई लग रही है तो उस केस में वहाँ पे क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था एक, जिसमें बताया गया कि फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो क्रेन के कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।